क्या शहद क्रुएलिटी फ्री है? बड़े जानवरों के मुकाबले छोटे जानवरों पर होने वाली क्रूरता आसानी से नजर नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे जीवों को दर्द नहीं होता। छोटे जीवों में मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिस पर शहद के व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर क्रूरता की जाती है। एक चम्मच शहद 12 मधुमक्खियों का जीवन भर का तैयार किया हुआ खाना होता है। शहद की मांग पूरी करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर बीज की फार्मिंग होती है। क्वीन बी को कृत्रिम रूप से प्रेगनेंस करने के लिए मेल बीज को कुचलकर उसका सीमन लिया जाता है। बी फार्मर्स नहीं चाहते कि क्वीन बी और उसके साथ बाकी बीज छत्ता छोड़कर चले जाएं, इसलिए क्वीन बी के पंख काट दिए जाते हैं। जो मधुमक्खियां अब कैद में हैं, उनसे उनका शहद चुरा लिया जाता है और उन्हें जिंदा रखने के लिए शुगर सब्स्टिट्यूट खाने के लिए दिया जाता है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शहद में मौजूद होते हैं वो नहीं होते। पर बात यही खत्म नहीं हो जाती। सर्दियों में जब मधुमक्खियां शहद नहीं बनाती, तब बी कीपर्स बजाय कि उनकी देखभाल करें, वो अपने मुनाफे के लिए मधुमक्खियों को उनके छत्ते के साथ ही जला देते हैं। अब मान लेते हैं कि एक दयालु बी कीपर है जो अपनी मधुमक्खियों का बहुत ही ख्याल रखता है, पर फिर भी छत्ते में से शहद निकालने के लिए जब छत्ते को लकड़ी के डब्बे से निकाला जाता है, तब काफी मधुमक्खियों की जान चली जाती है और कई अपने ही शहद में डूबकर मर जाती हैं। शहद का स्वाद और फायदे ऐसी बहुत सी चीजों से मिल सकते हैं जिसके लिए किसी जानवर को मारा नहीं गया, जैसे कि खजूर से बनाया सिरप, गन्ने का रस या फिर फलों से घर पर बनाया हुआ शहद। तो अब आप ही बताइए, अगर शहद के लिए किसी जीव पर इतनी क्रूरता की जा रही है तो वो क्रुएलिटी फ्री कैसे हो सकता है?